ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्वैपिंग वाले प्रोग्राम्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरे। ओके, द फर्स्ट प्रोग्राम ये आपको है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको पहला इसमें दिया रहेगा, देयर आर टू वेज टू स्वैप योर नंबर्स। द फर्स्ट इज यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड सेकेंड इज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगेन दिस विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हैव अगेन थ्री टाइप्स, तो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आपसे पूछ सकते हैं या पूछे भी हैं बहुत बार सीएसयूटी में। तो प्रॉब्लम आपको समझ आना चाहिए, व्हाट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। प्लस सपोज सपोज यू हैव टू वेरिएबल्स लाइक नम वन एंड दिस इज नम टू। द फर्स्ट वेरिएबल नेम इज नम वन एंड सेकेंड वेरिएबल नेम इज नम टू। सपोज यू हैव टेकन नम वन एज 10 एंड नम टू एज 20, मीन्स यू हैव टू स्वैप दिस टू नंबर्स विथ ईच अदर। मतलब आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे ये स्वैप हो जाने चाहिए। यहाँ पे जो नम वन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए क्लास, प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 20। ट्वेंटी सिंपल, ये नम वैल्यू हो जाना चाहिए 20। एंड जो आपका आपका नम टू है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10। तो टेन ये हाँ, ये मुझे आपको ये प्रोग्राम आपको करना है, और ये को पूछेगा आपको बताएगा कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो यू कैन हैव योर ओन मेथड, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है। आपको नंबर को स्वैप करना है। क्लास स्टार्ट करें? यस सर। ओके ओके, स्टार्ट। टेक वन न्यू एडिटर, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेव योर फाइल, स्वैप स्वैप डॉट सी। द प्रॉब्लम इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल, ओके क्लास, टेल मी व्हाट इज योर इनपुट। क्लास इनपुट क्या होगा? नहीं, टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स है ना क्लास, बिकॉज आपको दो नंबर चाहिए रहेगा स्वैप करने के लिए। ओके, एंड व्हाट इज योर आउटपुट, आउटपुट क्या होना चाहिए? स्वैप्ड सेवन नंबर्स, नंबर्स। स्वैप नंबर्स, वो नंबर स्वैप्ड होने चाहिए। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज हो जाना। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड क्या होगा क्लास आगे, हैश इंक्लूड कोनियो ओके डॉट एच। वी इंक्लूड टू हेडर फाइल्स। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? वॉइड मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज इट इज क्लियर आई हैव टू टेक टू नंबर्स एज इनपुट, सो इंट नम वन एंड नम टू। आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स, ओके सी एल आर एस सी आर, स्क्रीन विल बी क्लियर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट क्लास, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? Please enter any two numbers. एंटर टू नंबर्स, यू कैन आस्क यू फ्रॉम द यूजर, प्लीज एंटर टू नंबर्स हियर, यू नीड टू स्कैन परसेंट डी कॉमा। प्लस कैन आई यूज कॉमा ओवर हियर, कैन आई यूज कॉमा ओवर हियर? नो सर नहीं यूज करना, ठीक है, अदरवाइज द नेक्स्ट परसेंट डी आफ्टर कॉमा विल बी डिस्कार्डेड। द नेक्स्ट थिंग इज एड्रेस ऑफ नम वन एंड नम टू। आई हैव टेकन टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ यू कैन रीड आउट दिस दिस प्रोग्राम रिक्वायर थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल मीन्स यू नीड टू स्वैप टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। सो सिंपल, आई विल टेक अनदर वेरिएबल लाइक टेम्पररी वेरिएबल, प्लस आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल थर्ड वेरिएबल लाइक टेम्पररी वेरिएबल। ओके,
आफ्टर दैट आफ्टर टेकिंग द इनपुट आप यहाँ पे प्रिंट करा लो, पहले प्रिंट क्या करा लो, प्रिंट एफ स्लैश एन बिफोर स्वैपिंग नम वन इक्वल्स टू परसेंट डी एंड नम टू इक्वल्स टू परसेंट डी, यहाँ की क्या लिखे क्लास हम लोग, नम वन कॉमा नम टू, नम कॉमा नम टू, ये मैंने स्वैप करा लिया। एक बार देख लो आप जो इनपुट सही आ रहा नहीं आ रहा, एक बार रन फाइल को रन कराओ। एंड टू नंबर्स 10 20 बिफोर स्वाइपिंग प्लस, ये सही लिया ना मैंने इनपुट 10 एंड 20। उसके बाद आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पे मैंने क्या स्वाइपिंग करने प्रिंट कर लिया। उसके बाद आप क्या करना, एक वेरिएबल ले लो टेम्पोन में वैल्यू पुट कर दो, मैं आपको समझाऊंगा कैसे हो रहा है ठीक है। पहले प्रोग्राम देख लो नम टू, उसके बाद नम टू में पुट कर दो टेम्प की वैल्यू। आप पूरे की पूरी कोडिंग जो है यहां से यहां तक आप सेम चीज यूज कर सकते हो। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कॉपी नहीं करना ठीक है, आप लोग राइट करना पेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग, बस यही पे चेंज कर, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा आफ्टर स्वैपिंग। ओके रन योर कोड 10 एंड 20 कैन यू सी द आउटपुट, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू हैज बीन एक्सचेंज्ड, वैल्यू हैज बीन स्वैप्ड क्लास क्लास। ओके तो ये जो कोडिंग है बेसिकली यहाँ पे, हाँ ये जो बेसिकली जो तीन लाइन की कोडिंग है इसको बोलते हैं स्वैप कोडिंग, स्वैपिंग कोडिंग, स्वैपिंग कोड ये बेसिकली काम आता है स्वैप करने के ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, वन बाय वन देखते हैं क्लास में इसको, एक सेकेंड ओके क्लास को बताया कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव, हाउ मेनी वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, ओके थ्री वेरिएबल्स गुड। द फर्स्ट वेरिएबल इज, एक सेकंड हाँ ओके, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड वेरिएबल एंड दिस इज थर्ड वेरिएबल। सो दिस इज नम वन, नम वन एंड दिस इज नम टू एंड व्हाट इज दिस क्लास, टेम्प वेरिएबल। ओके क्लास को बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम टेम्प एंड नम टू राइट नाउ, गार्बेज वैल्यू, द गार्बेज वैल्यूज, गार्बेज वैल्यू। आफ्टर सी एस सी आउटपुट इसके विल बी क्लियर। नाउ प्लीज एंटर टू नंबर्स, सपोज आई हैव एंटर्ड 10 एट द एड्रेस ऑफ नम वन एंड 20 एट द एड्रेस ऑफ नम टू, आई होप दिस इज क्लियर है ना, यहाँ तक हमने ऑलरेडी पता है। उसका प्रिंट हो जाएगा बेटा, बिफोर स्वैपिंग मैसेज आएगा नम वन इक्वल्स टू कितना आएगा 10 एंड नम टू आएगा 20। ये देखो स्वैपिंग, अब ये जो आपका कोड है इस पर ध्यान दो आप लोग, ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टेम्प वेरिएबल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नाउ द फर्स्ट द वैल्यू ऑफ, मैंने बताया था जब भी आप इक्वल साइन देखोगे इक्वल की एसोसिएटिविटी होती है बेटा राइट टू लेफ्ट, क्या होती है क्लास एसोसिएटिविटी याद है आप लोगों को, डेटा टाइप से पढ़ा था आपको क्लास, यस सर, जो इक्वल साइन, इक्वल साइन के एसोसिएटिविटी होते हैं राइट टू लेफ्ट होते हैं, मतलब राइट की वैल्यू पहले आपको सॉल्व करने के बाद मुझे उसको लेफ्ट में असाइन करना रहेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट मुझे मूव करना है। तो नम की वैल्यू कहाँ सेफ्ट हो जाएगी क्लास, टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई कोई बताएगा, कितनी होगी क्लास 10। आफ्टर दैट नम टू की वैल्यू कहाँ जाएगी, टेम्प नम वन में, नम टू की वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू नम वन, तो नम टू आपका 10 20 है वो कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्लास, अभी नम टू नम वन हो गया आपका 20 क्लास, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, यस सर, यस सर। देखो टेम्प की वैल्यू कहाँ चलेगा, नम टू में, तो टेम्प आपका 10 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 10, तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू हैज बीन स्वैप्ड। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, समझ आ गया क्लास सबको, समझ आया, यस सर, आपकी स्वैपिंग वैल्यू आपका स्वैप हो गया ठीक है। अब ये तो सिंपल है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाना बहुत आसान है, बट कई बार प्रोग्राम आ जाएगा कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तब हम क्या करेंगे, तो आगे बढ़े कि समझा दें, क्लियर है क्लास, आगे बढ़े सर, एक डाउट है सर, ये जब टेम्प की वैल्यू नम टू में जाएगी 10, तो टेम्प की वैल्यू फिर उसके बाद जीरो हो जाएगी ना, नहीं 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 नहीं, टेम्प की 10 ही रहेगी, 10 बेटा, हाँ जब तक, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो रही है,
यहाँ पे आपको वहां पे रिप्लेस नहीं, यहाँ पे यहाँ पे 10 यहाँ पे गए है, तो मतलब ये 10 यहाँ रहेगा खुद की, प्लस वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यस सर। है ना। यहाँ पे बेटा ये एग्जैक्टली ये ट्रांसफर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या होती है वैल्यू कॉपी होती है। तो अगर टेम्प की वैल्यू नम टू में जा रही, मतलब ये यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा, ये वैल्यू आपका टेम्प वैल्यू कितना 10 रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड, जो आपका डाउट है यहाँ बता दे। मिनल विजिबल है यहाँ यस पे देख लो। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ टेम्प इज परसेंट डी कॉमा टेम्प, रन करा लो। एक सेकंड, कुछ एरर है क्या, क्या प्रॉब्लम है। ओके डी आ गया, डी टाइप हो गया था। ओके कंपाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नम आपका टेम्प 10 लिया, नम टू आपका 20। देखो बेटा वैल्यू ऑफ टेम्प इज 10, वो वहां पे फ्लैश नहीं होगा बेटा, वो रहेगा वैल्यू, फ्लैश ऑफ नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके और किसी को डाउट है क्लास, और किसी को डाउट है कुछ? ओके तो ये प्रोग्राम पूछा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो जब भी यूजिंग थर्ड वेरिएबल आएगा आप ऐसे सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन आएगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, क्लास क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, क्लास विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आप यहाँ पे टेम्प यूज होगा क्या, रिप्लाई टेम्प यूज होगा? नो सर। आप टेम्प को हटा दो, टेम्प का काम ही नहीं है, आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। ओके तो मैंने यहाँ पे पहला वेरिएबल ले लिया, दो वेरिएबल इनपुट ले लिया, ये भी बिफोर स्वैपिंग, ये जो कोड है आपका स्वैपिंग वाला वो हट जाएगा। इसको कमेंट कर लेता हूँ। ओके नया कोड आएगा आपको, सॉरी यहाँ पे आपको टेम्प वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो एक सिंपल सा इसका कोड है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला होगा नम वन, दोनों को मैं ऐड किया, नम टू इक्वल्स टू नम वन, एक से नोट नहीं करना ठीक है, नम टू नम वन इक्वल्स टू नम वन माइनस नम टू, एक सेकेंड। हाँ नम वन हो गया 30, यहाँ माइनस आएगा और कहीं पे, हाँ ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं इसको, पहले कंपाइल करो, नो एरर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मैंने यहाँ पे 10 डाला और 20 डाला। ओके सक्सेसफुली स्वैप्ड, क्लास कैन यू सी द आउटपुट, स्वैपिंग इज पॉसिबल? यस सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये हो क्या है, ठीक है एक सेकेंड। हाँ सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज होंगे, दो ही होंगे ना क्लास? यस सर। पहला आपका नंबर है, सेकंड आपका है नम टू। ओके सपोज आपने वैल्यू ले लिया 10 ले ले, 10 20 चलेगा क्लास, सिंपल सा एग्जांपल है 10 20। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे मिनल, आप ध्यान देना, नम वन प्लस नम टू व्हाट इज द वैल्यू, नम वन प्लस नम टू कितना होगा, 30। 30 कहाँ पे स्टोर होगा वैल्यू, कहाँ पे स्टोर होगा वैल्यू, नमन में। तो नमन की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पे हो गई प्लस, ये आपका हट गया, नमन की वैल्यू हो गया आपके यहाँ पे 30। अच्छा एक ही आप लोग लिख लो, इनिशियली मैंने वैल्यू क्या लिया था, इनिशियली मैंने वैल्यू लिया था 10 लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था बेटा, यहाँ पे मैंने कितना लिया था 20 20 लिया, ठीक है। ये पहला सॉल्व हो गया, सेकेंड सॉल्व करो, नम वन माइनस नम टू, नम वन माइनस नम टू कितना होगा, 10। कहाँ पे स्टोर होगी वैल्यू, कहाँ स्टोर होगी, नम टू पे, नम टू की वैल्यू हो गई इस बार आपका यहाँ पे हो गया 10। ओके दिस नम टू बिकम्स 10। ओके आफ्टर लास्ट दिस लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, नम वन माइनस नम टू व्हाट इज नम वन, 30 माइनस 10 कितना होगा क्लास, 20। और कहाँ पे स्टोर होगी वैल्यू, कहाँ पे स्टोर होगी वैल्यू, नम वन में, नम वन हो गया आपका यहाँ पे, नम वन हो गया आपका, नम वन बिकम्स ओके 20। तो क्लास स्वैप हो गई, वैल्यू स्वैप हो गई। यस सर। यस सर। तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है पहला तरीका।
आपको एक जनरली बुक में एक ही तरीका लिखा होगा, एक ही वैल्यू होगा, मैं आपको एक और दो तरीका और बताता हूँ। एग्जामिनेशन हो सकता है इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछ दे, तो ये जो आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू के टाइम आपसे एक दो बार पूछे हैं बच्चों से कि आप प्लस माइनस यूज नहीं करना है और आपको थर्ड वेरिएबल भी यूज नहीं करना है, बट यू हैव टू स्वैप टू नंबर्स, तो क्या करना है? क्लास ये समझ आया सबको? क्लियर है? यस सर। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल है। तो आपको क्वेश्चन अगर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे आपसे आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है और ना ही आपको क्या करना है, आपको यूज नहीं करना, आपको प्लस माइनस यूज नहीं करना, तो सिंपल क्या करो, जहां जहां पे बेटा यहाँ पे प्लस लिखा है देखो, जहां जहां पे प्लस है वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो और जहां जहां पे माइनस वहां पे क्या कर दो, डिविजन कर दो। क्या बोल रहे, समझ आया क्लास? क्या बोल रहे हैं, जहां जहां पे प्लस है वहां पे क्या करो, मल्टीप्लाई। जहां जहां पे प्लस है वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और जहां पे माइनस है आपका वहां पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल, क्लियर है? समझ आया? क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नम वन इक्वल्स टू क्या होगा क्लास, आप बताओ मुझे, नम वन इंटू इंटू नम टू हो जाएगा आपका, नम टू इक्वल्स टू नम वन डिवाइडेड बाई नम टू, एंड नम वन इक्वल्स टू नम वन क्या होगा, डिवाइडेड बाई नम टू, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, इसको मैं हटा लेता हूँ, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सेकंड तरीका हो गया, मैंने बाकी कमेंट कर दिया, ये बस एक्टिव है, ये मैंने पहले कंपाइल किया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, रन किया, मैंने सपोज नम ले लिया आपका 12 और सेकंड ले लिया मैंने सपोज 6 ले लिया। क्लास कैन सी द आउटपुट? यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू हैज बीन स्वैप्ड, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हो रहा है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम, आप लोग याद रखना बेटा आप लोग, ठीक है। ये मैंने किया, क्लास मुझे आप लोग बताओ हाउ मेनी वेरिएबल्स, अगेन आई हैव टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, नम यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, दिस इज नम वन एंड दिस इज नम टू, आपने वैल्यू ले सपोज ले लिया, वही पहले तो सिंपल सिंपल 12 ले लो एक, क्योंकि डिवाइड डिवीजन में इजी हो रहा है, सिंपल वेरी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी पॉसिबल है। नम वन इंटू नम टू कितना होगा क्लास? 72। 72 कहाँ पे स्टोर होगा? नम वन में। हाँ, आपने इनिशियली इनिशियली वैल्यू क्या लिया था, आपने 12 लिया था, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपने लिया 6, ठीक है, याद रखना। तो जब ये 72 होगा, 72 कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम वन में, तो नम वन बिकम्स 72, num1 becomes 72, okay, great. After second statement, num1 divided by num2, num1 divided by num2 कितना होगा? 12, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? num2 में, good, ये हो जाएगा आपका 12, num1 divided by num2, now num1 आपका 72 divided by 12 कितना होगा? 6, तो this becomes 6, class swap हो गया value, swap हो गई? Yes, sir. हाँ, yes, एक सेकंड वे है, एक और तरीका है, बताएं तीसरा तरीका बताएं क्लास? यस सर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते कि एग्जामिनर जो आपको एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछे, इंटरव्यू के टाइम पूछे, फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये काम करो, नम वन आप पहले सिर्फ एज इट इज लिख लो नम वन, और जहां पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन या प्लस है माइनस, जहां करे सब जगह आप क्या लगा दो, एक्सक्लूसिव और, क्या करें क्लास हम लोग, क्या करें, एक्सक्लूसिव और, नम वन एक्सक्लूसिव और नम टू, और यहाँ पे क्या है, नम वन इक्वल्स टू नम वन एक्सक्लूसिव और नम टू। देखो मैंने बाकी कमेंट कर दिए हैं, ये एक्टिव है, देखते हैं, कंपाइल करो, मिसिंग है क्या, अच्छा यहाँ पे सॉरी, कंपाइल इट, नो एरर, रन इट, 10, 20, क्लास कैन यू सी द आउटपुट? यस सर। तो ये आप लोग एक काम करना, इसको एक्सक्लूसिव और सबको पता ना ये क्या है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है क्लास, कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है,
बिटवाइज ऑपरेटर है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको सर, बिट्स जीरो वन में का एग्जैक्टली बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये एक्सक्लूसिव आर पता ना, आपको टेबल पता है ना क्लास टेबल एक्सक्लूसिव आर वाला, वो अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके नंबर में पुट करना पड़ेगा, फिर आपको डेसिमल कन्वर्ट करके नंबर में पुट करना पड़ेगा। बता दे कि समझ आ जाएगा, बना लोगे आप लोग? यस सर। क्लास किसको डाउट है? नो सर। ओके, सो ये यहाँ तक कुछ कुछ प्रोग्राम जो है, ये स्वैप का आपको चार तरीके मैंने बताया, कोई भी एक तरीका आपको आना चाहिए बेटा यहाँ पे। हाँ, यूजिंग थर्ड वेरिएबल पूछा तो ये आप सिंपल बता दो, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है अगर ऐसा आया तो आपको ये आना चाहिए, बन जाएगा सबसे क्लास? यस सर। गुड, तो ये तीन चार तरीके मैंने बताए, आपको सबको समझ आना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एरे, ओके क्लास को बताएगा व्हाट डू बाय एरे, कोई भी किसने पहले पढ़ा है कि एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। वेरी गुड, शाबाश बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और इसमें और इसको थोड़ा और आगे मॉडिफाई करो, सही बोला आपने सर, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। वेरी गुड, वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। इमेजिन करो कि मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो आपको ये पता है कि दो नंबर है, आप मल्टी आप दो नंबर दो वेरिएबल ले सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 60 नंबर्स, आपको 60 नंबर इनपुट लेना और 60 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो इमेजिन करो अगर आप सिंगल सिंगल वेरिएबल डिफाइन करोगे क्या क्लास, फिर गेटिंग माई पॉइंट क्लास? Yes, sir, अगर आपको ये पता है कि जो नंबर है वो सिमिलर टाइप के नंबर होंगे, है ना, नंबर सिमिलर होते हैं वो, किसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, नंबर ही है। सो आप ये एरे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको मल्टीपल वेरिएबल आपको यूज करना है ना, यहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, अब चाहो पास टाइम है तो आप चाहो तो 60 वेरिएबल फिर से बनाओ। 60 वेरिएबल कैसे बनाओगे? इंट नम वन, नम टू, नम थ्री बनाते जो अगर आपके पास टाइम है तो। बट ये सही कोडिंग, सही वे ऑफ कोडिंग नहीं है, क्लास समझ आ रहा है मेरी बात? Yes, अगर आपको 60 लेना है तो आप 60 वेरिएबल नहीं बनाओगे आप बैठ के, नम 60 आप ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज ये पहली बात तो सही वे ऑफ कोडिंग नहीं है। आपको 60 नए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, फिर आप क्या करोगे क्लास, अगर आपको इनपुट लेना है फिर क्या करोगे आप बताओ? सपोज मैं लिखता हूँ, अभी हम लोग जो पढ़े हैं, आप बोलोगे यहाँ पे यूजर को कि प्लीज एंटर 60 नंबर्स, ओके आप बताओ मुझे क्या करें क्लास, क्या करें सर? वो परसेंट डी को 60 टाइम्स लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं भी बता रहा हूँ, परसेंट डी, परसेंट डी आप कितने टाइम लिखोगे? 60 टाइम्स आप परसेंट लिखोगे, फिर आगे एड्रेस ऑफ नम वन कॉमा एड्रेस ऑफ नम टू, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 60 टाइम्स, ये 60 में आप लिखते जाओ। तो अगर आपके पास टाइम हो, फ्री बैठे हो तो यू कैन राइट, बट इमेजिन करो तो 100 60 नंबर, मैंने अगर बोल दिया 100 नंबर्स तो क्या आप 100 टाइम्स लिखते जाओगे? नहीं ना, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ कोडिंग। तो सिमिलर बेटा इस चीज, अगर आपके पास सिमिलर डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप सिंपल आपको एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है एरे। तो एरे बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जहां पे आपको सिमिलर डेटा टाइप, बार बार बता रहा हूँ, सिमिलर डेटा टाइप, नॉट डिफरेंट डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप्स। मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, ये एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। क्लास स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, अभी साथ विजिबल होगा अच्छे से, है ना? ये एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एरे एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये जीरो क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एरे वेरिएबल शेयर अ कॉमन नेम बट वी कैन डिफरेंशिएट देम बाय देयर इंडेक्स नंबर। एरे ऑलवेज स्टोर्स एट कंटिगस मेमोरी लोकेशन, ये कंटिगस मेमोरी लोकेशन क्या होता है आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इट इफ मेंशन साइज मेमोरी इज अवेलेबल, इफ मेंशन साइज मेमोरी इज अवेलेबल देन एरे गेट्स मेमोरी, अदरवाइज रिक्वेस्ट विल बी डिनाइड। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। तो सिंटैक्स है बेटा यहाँ पे ध्यान दो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे एक तो इंडेक्स,
इंडेक्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच यू वॉन्ट टू टेक इनपुट. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चाहो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो. इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. जो आपको स्क्वायर पे करना है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. क्लास क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लास को? सबस्क्रिप्ट में आप स्पेसिफाई किया है. और दिस इज द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो आप यहाँ पे ध्यान दो. यही देखो यहाँ पे मैंने बताया कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. यहाँ पे आप ध्यान दो. मैंने एक सेकेंड. अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. कहाँ लिखा है ये? अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. यहाँ कैसे होगा देखो, ये पहले जीरो स्टार्ट होगा. वन टू थ्री और फोर. अगर मैंने फाइव एलिमेंट मुझे चाहिए तो साइज कितना होगा क्लास? साइज साइज आपका कितना होगा? फाइव एलिमेंट्स पे कितने कितने बाइट्स? हाउ मेनी बाइट्स? 10 बाइट्स. देखो यहाँ पे हाँ, अगर यहाँ पे मैंने, याद है आपको मैंने यहाँ पे नम वन लिया था कुछ देर पहले, लिया था नम वन. याद है मेमोरी लेता हूँ ना आपको मैंने नम वन. नम वन यहाँ पे लिया. सपोज ये नम टू मैंने दूसरा वेरिएबल लिया. नम टू नम टू इसका लोकेशन है 1000 या 100 ले लो, और इसका लोकेशन है 200. तो क्या है कंटिग्यूअस मेमोरी है ये क्लास? कंटिग्यूअस मेमोरी है? कंटिन्यूअस मेमोरी है यहाँ पे? बीच में बेटा गैप है ना, 100 बाइट्स का गैप है ना क्लास? यस सर. तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल यूज किया. यहाँ पे मैंने एरे यूज नहीं किया था. लेकिन जब एरे की बात होती है, अरे ऑलवेज स्टोर्स एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. तो देखो यहाँ पे ये पहला ये किस टाइप का डेटा टाइप क्लास? कितना डेटा टाइप है? इंटीजर. तो साइज कितनी होती है इंटीजर की क्लास? 2 बाइट्स. तो यहाँ से यहाँ तक की साइज होगी 2 बाइट्स का. 2 बाइट्स. इमेजिन करो सपोज आपका जो एरे स्टार्ट होता है 100 से, तो नेक्स्ट लोकेशन किससे स्टार्ट होगा? 102 क्लास. Yes, समझ आ रहा है? और फिर नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा? 104 106 और 108 बिकॉज अरे ऑलवेज स्टोर्स इट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ये कहां स्टोर होगा? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे. इससे इससे फायदा क्या है क्लास? वंस यू नो द बेस. हाँ एक चीज बताना था. The first address of array is known as base address. Class, याद रहेगा? Class? Yes, sir. The first address of array is known as, क्या बोलते हैं हम लोग क्लास? Base address. The first address of array is known as base address. अगर मैं base address में integer add कर दूँ, integer के size, तो मुझे next element मिल जाएगा? और automatically? नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा प्लस? यस सर. अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट में फिर से मैं इंटीजर के साइज ऐड कर दूं, नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहां पे ध्यान रखो बेटा, ये जो एरे हमेशा क्या होता है? कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं. यहां पे ध्यान दो, उसका लिखा इट इफ मेंशन साइज. हां अगर यहां पे इमेजिन करो ये इंटीजर की साइज कितनी, यहां पे 10 बाइट्स लेगा. मेमोरी कितना लेगा बेटा? 10 बाइट्स. कितना हुआ क्लास यहां पे? 10 bytes. लेकिन इमेजिन करो कि मेरे पास मेमोरी नहीं है 10 bytes का एक साथ. हाँ कहीं पे 2 bytes है, कहीं पे 3 bytes है, कहीं पे 4 bytes है, बट एक साथ मेरे पास मेमोरी 10 bytes का नहीं है. तब क्या होगा? आपका एरे स्टोर नहीं होगा मेमोरी में. उसको हमारा जो जो आपका सिस्टम है हमारा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज उसका मेमोरी है नहीं. तो जितने मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, वो सबको रिजेक्ट कर देगा. हाँ अगर आपके पास 10 bytes एक साथ कंटिग्यूअस मेमोरी में है तो आपको एक्सेप्ट करेगा, वहां पे आपको मिलेगा लोकेशन. तो ये जो 100 मैंने लिया बेटा, वो एक्चुअल एड्रेस नहीं. आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूज किया 100. और यहाँ हो सकता है कोई लोकेशन दूसरा हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है लाइक एनी अदर वेरिएबल एरेज मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड. आपको जब भी दूसरा यूज करना, आपको एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा. दैट द कंपाइलर कैन एलोकेट स्पेस फॉर देम इन मेमोरी सो दैट द कंपाइलर विल एलोकेट द मेमोरी. टाइप्स ऑफ मेमोरी आपका पहले आपको समझाता हूँ कि एरे होता क्या. फिर से एक बार क्लास, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है? ओके. द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर शोज द साइज ऑफ द एरे. अब ये प्रॉब्लम कैसे होता है, कहां से आया, मैं आपको एक बार समझाता हूँ. देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एरे वेरिएबल शेयर अ कॉमन नेम. देखो बेटा सबका कॉमन नेम है ARR0. जो भी आपने वेरिएबल लिया उस वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है? ये भी वेरिएबल नेम है. तो ARR, तो पहला वेरिएबल का नेम क्या होगा क्लास? ARR0. सेकंड वेरिएबल नेम इज ARR1. थर्ड वेरिएबल ARR2, ARR3, ARR4. तो यू कैन सी all the variables having the same name, all the variables having the same name, but we can differentiate them by their index number. This is 0, 1, 2, 3, and 4. These are the index number. Class, are you getting my point or not? Yes, sir.
चलो आप मुझे एक चीज एक्सप्लेन करना, मैं आपको एरे का समझाता हूं पहले. ओके, मैंने इमेजिन करो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट वेरिएबल ले लिया, जैसे कि आप वेरिएबल सिंपल वेरिएबल ए ले लिया मैंने, और साइज दिया मैंने यहाँ पे 6, ये मैंने साइज दे दिया. तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है क्लास मेरे पास, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव क्लास, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स. तो जो आपका मेमोरी एलोकेशन होगा कैसे होगा, यहां से यहां तक चलेगा पूरा का पूरा, उसके बाद ये आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5. टोटल मेरे पास 6 वेरिएबल होंगे. अब मुझे बताओ क्लास, जो पहला आपका अरे वेरिएबल नेम, उसका वेरिएबल नेम क्या होगा पहले का, तो बताएगा अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, वेरी गुड, अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन A0. व्हाट इज नेक्स्ट सेल नेम, A1, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 and A of 5. इमेजिन करो, सपोज ये जो आपका पहला जो मेमोरी उसका लोकेशन है, सपोज इसको चेंज कर लेता हूँ, मेमोरी है सपोज 300 है, तो नेक्स्ट लोकेशन कितना होगा प्लस, कोई बताएगा कितना होगा, 302. सबस ये हो जाएगा 304, ये हो जाएगा आपका 306, ये हो जाएगा आपका 308, ये हो जाएगा आपका 310. क्लास यहाँ तक समझ आया सबको क्लास? अच्छा एक और मैं वेरिएबल देता हूँ, सपोज लिखो कैरेक्टर सी एच, यहाँ पे ले लिया मैंने सपोज 4. ओके क्लास, अच्छा यहाँ बताना था इसकी साइज कितनी होगी क्लास, इसकी साइज कितनी होगी, हाउ मेनी बाइट्स, हाउ मेनी बाइट्स, 12 बाइट्स. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट हैविंग साइज ऑफ 2 बाइट्स, सो कितना 6 × 2, 12 बाइट्स इसकी साइज होगी. और यहाँ पे साइज कितनी होगी क्लास, कोई बताएगा इसकी साइज कितनी होगी, 4 बाइट्स होगी, वेरी गुड, 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन होगा. ठीक है, अच्छा मुझे आप इसको एलोकेट करो, इसका 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 ब्लॉक डायग्राम बनाओ कैसे होगा. हाँ अभी तो कितने कितने सेल होंगे यहाँ पे, कितने सेल होंगे, 4, 1, 2, 3 and 4. क्लास व्हाट इज द फर्स्ट सेल नेम, व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल नेम, अब मुझे बताओ सपोज योर बेस एड्रेस इज 400, व्हाट इज नेक्स्ट एड्रेस, 401 होगा कि 2 होगा, 1 होगा सर, 1 होगा. Very good, beta. Sabas. Good, very good. Because the cell size is 1 byte over here. Here the cell size is 2 bytes. So that the next address is after 2 bytes. Yahan pe dekho ye beta, iski cell size hai 1 byte. The next allocation hoga 401. Aage kya hoga class? 402. Aur ye ho jayega 103. Sabas, very good. Chalo, ek aur example karte hai isme. Maine suppose le liya float f of 5, सपोज मैंने ले लिया. ओके हाउ मेनी सेल्स, इसका साइज कितना होगा पहले बताओ मुझे, साइज कितनी होगी इसकी, 8 बाइट. हां 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, यस सर. कितना होगा, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स. टोटल साइज कितनी होगी, 20 बाइट्स, वेरी गुड, 20 बाइट्स होंगे ना, हां 20 बाइट्स होंगे, गुड. अच्छा मुझे आप लोग बताना, ये मैंने 5 का सेल लिया, तो 5 लोकेशन 5 होगा यहाँ पे, एरे कंटिन्यूअस मेमोरी है, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके व्हाट इज द फर्स्ट सेल नेम, क्या होगा क्लास, f ऑफ 0, f ऑफ 0, 0. इसके बाद पढ़ेंगे f ऑफ 1, उसके बाद है f ऑफ 2, देन f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4. Class, tell me what is the suppose imagine karo, the address is 500. The next location would be 502. 504. Kitna hoga? 4 hoga. 504. Sabas. 500 kitna hoga class? 508. 4 bytes ka difference.
डिफरेंस आते जाएगा है ना, ये हो जाएगा 50 सॉरी 512 आफ्टर दैट 516 दिस इज द एड्रेस ओके. एक चीज आपको बताना था, पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाता हूँ कि एड्रेस कैसे देखना है. एड्रेस दिखाऊं आप लोगों को क्लास, रियल में एड्रेस दिखाएं? यस सर. अच्छा ओके एक सेकंड, उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा लूप कैसे चलाओगे इसमें. चलिए ठीक है, मैं कुछ समझाता हूँ. ये समझा बेटा क्या कंटिन्यूअस मेमोरी कैसे समझा कंटिन्यूअस मेमोरी, बिकॉज वो एक साथ मेमोरी में स्टोर होते हैं. तो ये अच्छा, इसका ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक हो सकता है नहीं हो सकता, इमेजिन करो अगर आपके पास मेमोरी नहीं मिला. देखो यहाँ पे आपको 12 बाइट चाहिए क्लास, हाउ मेनी बाइट्स, आपको यहाँ पे 12 बाइट चाहिए. इमेजिन करो मेरे सिस्टम के पास 12 बाइट्स का एक साथ मेमोरी नहीं है, कहीं पे 2 बाइट्स है कहीं पे 3 बाइट्स है, तो क्या एलोकेट करेगा यहाँ पे? एलोकेट होगा मेमोरी? नहीं होगा. दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे, बिकॉज इट नीड्स अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, उसको कंटिग्यूअस मेमोरी चाहिए सो दैट कि उसको हम उसको स्टोर कर सके. इमेजिन करो यहाँ पे 20 बाइट्स चाहिए, कितना चाहिए 20 बाइट्स. अगर किसी ने धोखे से ऐसा लिख दिया, क्लास देखो यहाँ पे फ्लोट एफ 200 लिख सकते हो ना आप लोग, तो कितना साइज हो गया, 200 इंटू 4 कितना होगा 800 बाइट्स. 800 बाइट्स क्या चाहिए, कंटिग्यूअस मेमोरी में चाहिए, एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं. तो इमेजिन करो अगर 800 बाइट्स नहीं है मेरे सिस्टम पे, आ रहा समझ, तो आपका जो रिक्वेस्ट है डिनाई कर देगा, वो उसको स्टोर नहीं करेगा. तो दिस इज द सिंगल ड्रॉबैक, अभी बताऊंगा. लेकिन एक और ड्रॉबैक क्या है कि एरे में हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 लिया, सॉरी इंटीजर, हाँ इंटीजर 5 लिया, 6 लिया, यहाँ पे मैं ए नहीं ले सकता, बिकॉज ये डिफरेंट डेटा टाइप हो जाएगा, हेट्रोजीनियस. यहाँ पे आप सिर्फ क्या यूज करोगे, होमोजीनियस डेटा टाइप यूज करोगे. तो आप यहाँ पे 6 ले सकते हो, कोई डेसिमल नंबर ले सकते हो, 100 ले लो चलेगा, 12,000 चलेगा, 12,000 ले लो चलेगा, 600 चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700 चलेगा, या 7 ले लो. तो आप ऐसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो. देखो यहाँ पे कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या है क्लास, यहाँ पे क्या स्टोर करोगे आप लोग, कोई कैरेक्टर वैल्यू ए जेड टी है ना पी, आप ऐसे स्टोर कर सकते हो कैरेक्टर वैल्यू. फ्लोट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट मतलब क्या होगा, रियल नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे. तो लिखा आपने 5.67 या जो भी 5.6 ले लो, 7.8 ले लो है ना, 20 या 12.69, 8000.07 जो भी आपको लेना चाहो, और यहाँ पे ले लो 700.0. तो दिस आर द फ्लोट वेरिएबल्स, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते, सिमिलर डेटा टाइप होने चाहिए. यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कैरेक्टर तो पूरे के पूरे कैरेक्टर, यहाँ पे अगेन डेसिमल नंबर तो पूरे पूरे डेसिमल नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू तो पूरे के पूरे फ्रैक्शनल वैल्यू. इट विल नॉट अलाउ टू हेट्रोजीनियस डेटा टू स्टोर इन एरे, आपको होमोजीनियस डेटा ही चाहिए. क्लास समझ आ रहा है? क्लास यस सर. यस सर. ओके तो ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है. इसके तीन टाइप्स होते हैं बेटा, पहला है वन डायमेंशनल एरे, इसको बोलते हैं 1D एरे, जिसके आपका 2D एरे, और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल इसको बोलते हैं 3D या मल्टी, मोर देन 3D होगा तो मल्टी डायमेंशनल एरे. तो अगर 2D हो गया इसमें 2 डायमेंशनल होंगे, 2 डायमेंशनल कैसे होगा बता रहा हूँ आपको. अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको जो डायग्राम समझाया था, ये डायग्राम है, ये बोल सकते हो एक्स एक्सिस पे है क्लास, एक्सिस है ना एक्स, ये भी एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है. अगर मैं डायग्राम को अगर मैं ऐसे, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ ऐसे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बना सकते हैं ना क्लास, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना. तो वाई में आप बना सकते हो, हाँ वाई में बना लो, ये वाई एक्सिस हो जाएगा. तो आप ध्यान दे रहे हो क्या, इस अरेंजमेंट जो डेटा का वो एक्सिस पे, सिंगल एक्सिस पे, इधर एक्स पे हो सकता है या फिर आप वाई बना सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग वन डायमेंशनल अरे. क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल अरे. डायमेंशन किधर होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, इधर एक्स या फिर वाई, दोनों में नहीं होंगे. क्लास समझ आ रहा है क्या, क्लास समझ आ रहा है? अच्छा अभी मुझे बताओ टू डायमेंशनल में क्या होना चाहिए, सामने से 2D एक अरेंजमेंट होगा डेटा का, ठीक है. तो हम उसको बोलते हैं 2D अरे, टू डायमेंशनल अरे. तो जितने भी आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे मैट्रिक्स को लेके, हम वहां पे क्या यूज करेंगे, 2D अरे यूज करेंगे. बिकॉज मैट्रिक्स में अरेंजमेंट कैसा होता है डेटा का,
क्लास मैट्रिक्स आपने पढ़ा ना सबने, आप लोगों ने पढ़ा ना मैट्रिक्स? हाँ, आप वहाँ पे पढ़े होंगे रो और कॉलम दोनों पढ़े होंगे। कैसे, यहाँ पे आप ध्यान दो, सोचो यहाँ पे आपने, यहाँ पे हम लोग जनरली ऐसा यूज करते हैं ना, हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग, ये आपने यूज किया, एक सेकेंड ना। अगर आपको डेटा इनपुट करना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो आप ये देख रहे हो, ध्यान देखो, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, दोनों है, टू डायमेंशनल है, दोनों डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे इस टाइप का अरेंजमेंट है तो आप क्या यूज करोगे, 2D array आपको यूज करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल समझाऊंगा क्या होता है 2D array, ठीक है? तो 1D array समझ आया सबको क्लास? 1D array क्या होगा, आइदर x एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, या फिर क्या होगा क्लास, या फिर क्या होगा, y एक्सिस, दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, बिकॉज मुझे 1D array बनाना है। अच्छा, आप लोग 3D array का एग्जांपल दे सकते हो, 3D array का कैसे होगा, x y z कैसे होगा? हाँ, x y z तीनों होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना डायग्राम ऐसा, ये सपोज ऐसा हुआ, ठीक है? आप लोग क्यूबिक्स देखे है ना, रूबिक क्यूबिक देखे ना आप लोग, देखे ना क्यूब्स वगैरह, सीधे क्या, हाँ वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा इसमें, जिसमें आपका देखो यहाँ पे x भी रहेगा, ये आपका ये सर y बना रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा इसका, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये दिस इज द x डायरेक्शन, ये आपका x है, इधर आपका x है, ये कितना आपका क्लास, दिस इज y, और ये जो आपका थर्ड डायरेक्शन दिख रहा है उसका z। तो ऐसे डायमेंशनल में अगर आप यूज करते हो हमने 3D, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर आप मुझे बताओ, चलो वन डायमेंशनल का एग्जाम्पल बताओ, वन डायमेंशनल एग्जाम्पल, 1D array कैसे होगा क्लास, 1D array कैसे होगा, एग्जाम्पल बताओ, जैसे लिखा इंटीजर a ऑफ 5, 1D array है क्लास कि नहीं है, 1D, ओके 1D है सर, ठीक है। 2D array कैसा होगा, अगर मुझे इंटीजर लेना है, इंटीजर a ऑफ, मैंने क्या 5 रो और 6 कॉलम्स, क्या लिया क्लास, इसको इमेजिन कैसे पढ़ना हमको, 5 रो एंड 6 कॉलम्स, ये आपका 2D array, बिकॉज यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट, एक सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे तो ये 1D array, यहाँ पे देखो दो सब्सक्रिप्ट है 1 और 2, तो यहाँ पे 2D array। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा क्लास, नंबर ऑफ रोज कितने, जो पहला जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं रो, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड कितना है क्लास, यहाँ कितना है क्लास, कॉलम्स। तो अभी मुझे आप एक्सप्लेन करो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ रोज है आपके 1, 2, 5 है ना, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, एक और आएगा, ये नंबर ऑफ रोज हो गए, और कॉलम्स कितने हैं 6, ये पहला कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया आपका 2D array। समझ आ रहा है क्लास कि नहीं आ रहा है, ये आपका x है, ये आपका ये y है, क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। आप अरेंजमेंट जो डेटा का x से होगा। अच्छा मुझे आप लोग बताओ 3D, आपका 3D array कैसे लिखेंगे, या बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल array है ना, 3D array कैसे होगा, array कैसे करें क्लास, इंटीजर ले लो, a लीजिए मैंने सपोज 3, इसको 5, 6। मैं इसको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, ये पढ़ने का तरीका ऐसा है कि मेरे पास, इमेजिन करो मेरे पास 5 और 6 नाम के आपके पास रो और कॉलम है, ऐसे कितने कितने ग्रुप हैं, ऐसे 3 ग्रुप हैं, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ प्लस, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगी। आप इसको ऐसे रीड करना, I am having 5 रोज एंड 6 कॉलम अरेंजमेंट एंड दे आर 3 डिफरेंट ग्रुप। अभी इसको छोड़ दो, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊँ तो समझ आ जाएगा, क्लियर है क्लास, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है 1D array, 2D array, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये 3 टाइप्स होते हैं। तो अभी 1D array मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 1D array क्या होगा, देखो क्लास वही मैंने समझाया, ये x एक्सिस में होगा, या फिर आप चाहो तो इसको y एक्सिस में भी ऐसे लिख सकते हो, सीधे डायग्राम यस सर। ओके, अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसको मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, डेटा कैसे लूंगा, छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट करें और लूप क्यों यूज होगा मुझे आप लोग बताना, ठीक है? मैं छोटे से एग्जाम्पल देखता हूँ,
टाइम हो गया कि बचा है क्लास? सर है टाइम है, टाइम है। एक एग्जांपल समझाते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? एरे, वन डी एरे, स्पेसिफिकली लिखो वन डी एरे, सॉरी वन डी एरे, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है? इसको फाइल को पहले सेव कर लो, सेव ओनली डॉट सी, मैंने वन डी डॉट सी कर लिया, ओके। हैश इंक्लूड क्या लिखे क्लास? प्लस रिस्पॉन्ड, आ रहा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे फाइव नंबर्स इनपुट लेना है, फाइव नंबर्स। इमेजिन करो अगर आपको एरे नहीं आता है, प्लस आपको एरे नहीं आती, मैंने एरे आपको नहीं पढ़ाया, मैंने बोला कि क्लास एक काम करो, यू हैव टू टेक फाइव नंबर्स एज इनपुट और उसको आप प्रिंट करो सिंपल। तो अभी आप लोग क्या करोगे क्लास, क्या करोगे, आपको एरे नहीं आता, क्या करोगे? फाइव नंबर्स, वॉइड मेन, ओके ग्रेट। क्लास क्या करें हम लोग, क्लास नम वन सिंपल करते हैं, कोई बात नहीं टाइम लगेगा, क्या करें बताते जाओ, प्लीज एक्सप्लेन। फाइव नंबर ले लिए, मुझे फाइव नंबर इनपुट चाहिए, आगे क्या करें? प्रिंटफ एंटर फाइव नंबर्स, एंटर नंबर वन, क्या करें क्लास? एक एक कर लेते हैं, ठीक है, एक एक कर लेते हैं, इसलिए मैं समझाऊं कि क्यों एक एक कर ले रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, प्लीज एंटर, अच्छे से लिख लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, प्लीज एंटर फाइव नंबर्स, प्लीज एंटर फाइव नंबर्स। तो आप लोग कैसे करोगे, मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, सुधर के समझाने मुझे इजी होगा। परसेंटी क्या होगा क्लास यहाँ पे, एड्रेस ऑफ नम टू स्कैन एफ परसेंटी कॉम एड्रेस ऑफ नम थ्री स्कैन एफ परसेंटी कॉम एड्रेस ऑफ नम फोर scan f percent d comma address of num 5। अगर इमेजिन करो अगर 10 नंबर तो 10 टाइम 10 टाइम्स में इसको लिखता, क्लास समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप लोग कुछ चीज आप लोग कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हो क्या, कुछ चीज कॉमन है क्या इसमें क्लास? यहां पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो स्कैन है पूरा का पूरा बार 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 प्रिंट कर रहा है, बस यहाँ पे इंडेक्स का डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है क्या? यस सर। और ये चीजें देखो बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं आपको 10 अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं बार बार। तो अगर इमेजिन करिए तो फाइव नंबर तो आप लोग इसे लिख सकते, चलो फाइव नंबर मैनेजेबल है। इमेजिन को अगर मैं लिखा 50 नंबर आपको इनपुट करना है तो क्या 50 टाइम्स आप वेरिएबल बनते जाओगे क्या, बनाओगे क्या क्लास? नहीं। तो सिंपल एक काम करो, आप इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो इंट, क्या करें है? बताओ फाइव, ऐसा कर ले? यस सर। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो आप यहाँ को पता है, आपने पूछा प्लीज एंटर फाइव नंबर, तो क्लास यहाँ पे देखो ये फाइव आपका, ये आपका स्टेटमेंट कॉमन स्टेट, बस ये चीज छोड़ दो, इंडेक्स को छोड़ दो, ये नंबर छोड़ दो, वेरिएबल नेम छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा कॉमन है, रिपीटेटिव स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है क्लास। यस सर। तो आप लोग जब मैंने आपको समझाया था रिपीट स्टेटमेंट है बार बार, तो आप क्या यूज करते हो? अगर बार बार रिपीट स्टेटमेंट बार बार आपको एग्जीक्यूट कराना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? सर लूप। वेरी गुड, शाबाश। लूप यूज करना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको एरे यूज करना है सेम नंबर आपको बार बार चलाना है तो आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लो आई और यहाँ पे आपने क्या किया सिंपल, जो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप इस लूप में चला लो। लूप आपका कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ स्टार्ट होगा? I equal to one. नहीं नहीं, अरे जीरो, बिकॉज अरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो आपके पास जो पांच वेरिएबल है उसके क्या क्या है बेटा, नाम क्या क्या है, नम जीरो, नम वन, नम टू एंड नम थ्री एंड नम फोर। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से फोर तक, टोटल फाइव एलिमेंट्स,
क्लास गेटिंग गेटिंग और नॉट यस सर यस सर ये हो जाएगा आई लेस देन इक्वल्स टू 4 चलेगा चलेगा यस सर या पैसा पैसा तो आई लेस देन 5 चलेगा यस सर ये चलेगा ना तो आप सिंपल कर लेते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 4 कॉम्प्लिकेट नहीं करते 0 से 4 तक चलेगा एंड आई प्लस प्लस अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग जो आपने देखो नीचे स्कैन एफ लिखा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ क्या करें क्लास हम लोग स्कैन एफ क्या करें बताओ परसेंटी कॉमा एड्रेस ऑफ नम आई वेरी गुड नम ऑफ आई समझ आ रहा है कैसा क्लास अब बाकी आपको इतना जो आपने लिखा है उसके लिखने की जरूरत नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है समझ आ रहा है क्या यस सर ये देखो मैंने इनपुट ले लिया या पैसे इनपुट लोगे ठीक है टाइम हो गया है मैं कल इसी से यहीं से कंटिन्यू करूंगा आपको ठीक है क्लास को डाउट है क्या अभी एरे में स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या थोड़ा भी समझ आ रहा है सिर्फ 2% भी समझ आ रहा है तो काफी है यस सर हाँ ठीक अभी 2% भी समझ आ तो कोई दिक्कत नहीं बिकॉज अभी मैं एरे स्टार्ट नहीं किया अभी सबको कंसेप्ट समझाया हूँ ठीक है कि लूप कब यूज करोगे कैसे यूज करोगे एरे में कम जनरली हम एरे में यूज करो तो आप लूप को यूज करना पड़ेगा इनपुट के लिए ओके क्लास थैंक यू सो मच कोई बच्चा मुझे अटेंडेंस भेज दो एक सेकंड किसी ने भेजा क्या अटेंडेंस मानवी आप अटेंडेंस भेज दो बेटा मुझे मानवी देवांगन यस सर ओके थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच ठीक है टुमारो हम कल परसों कंटिन्यू करते हैं आगे एरे को